अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा वर्कर बात कर रहा हूँ। आज बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल की है। जिस तरीके से लोग मुखालिफिन बोलते थे कि मजलिस पुराने शहर की जमात है, क्या नया पुल पार नहीं कर सकते, वो बोलते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार के अंदर 5 सीट लाए और सारी दुनिया के अंदर ये बता दी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की मत अजीज है और सेकुलर जमात है। सारी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह आज बिहारी बल्कि नहीं बल्कि पूरे स्टेट्स के अंदर आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गलबा होगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के और मजबूत हाथ होंगे और इंशाल्लाह कौम की दिलो जान से काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिहार की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 सीटों पर कामयाबी दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ रब्बुल आलमीन का कि इस हालो माहौल के अंदर जितने मुखालिफिन मजलिस थी उसके बावजूद भी 5 सीट पर कामयाबी देना कोई मामूली बात नहीं है। ये जितने मुखालिफिन मजलिस थे उनके मुंह पर तमाचा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी सैकड़ों की कामयाबी है। आवाम से दिल जान से शुक्रिया अदा करता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल भी आपकी थी, आज भी है, आने वाले वक्त में भी रहेंगी। सेकुलर जमात है, आपकी जमात है, कभी भी आ सकते हैं। दारुस्सलाम आप लोगों के लिए खुला है और मुखालिफिन को भी मैं दावा दे रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। ये मुखालिफिन करना छोड़ दें, बुराइयां करना छोड़ दें, अभी भी आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के, बैरिस्टर साहब के हाथ और अकबर साहब से मिलकर मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आज 5 की बात कर रहे हैं, हर स्टेट के अंदर 5, 10, 15, 20 सीट ऐसा निकालेंगे इंशाल्लाह। कल आप हमारे थे, आज भी है। अल्लाह आपसे दुआ है कि इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करते रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।